जानिए क्यों नहीं करनी चाहिए कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग की पूजा। धार्मिक रीति रिवाजों को लोग विशेष महत्ता प्रदान करते हैं। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी धार्मिक कार्य को करते समय उसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है। धार्मिक शास्त्रों में उल्लेखित किसी भी बात को अनदेखा करना उस जातक के लिए ही नुकसानदेह है जो किसी विशेष पूजा से वरदान की अपेक्षा रखता है। हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि नियमों का पालन करने के साथ साथ हमारे धार्मिक शास्त्र अपने भक्तों को कुछ नियमों में विभाजित भी करते हैं। कौन से जातक किस प्रकार के धार्मिक कार्यों का हिस्सा बन सकते एवं किन कार्यों में गलती से भी भाग नहीं सकते, इस सब का वर्णन धर्म ग्रंथों में किया गया है। भगवान शिव का शिवलिंग, ऐसा ही एक नियम भगवान शिव के रूप में शिवलिंग से जुड़ा है, जिसके संदर्भ में ये माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं शिवलिंग को हाथ भी नहीं लगा सकती। उनके द्वारा इस शिवलिंग की पूजा का ख्याल करना भी निषेध है। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ धार्मिक मान्यताएं। हम जिस गुरु अथवा भगवान को मानते हैं, जिनकी दिन रात आराधना करते हैं, वे स्वयं ही हमें नियमों में क्यों बांधना पसंद करेंगे? लेकिन धार्मिक मान्यताओं को आधार बनाते हुए ऐसा कहा जाता है कि अविवाहित कन्याओं को हमेशा इस शिवलिंग की पूजा से दूर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि लिंगम एक साथ योनि, जो देवी शक्ति का प्रतीक है, एवं महिलाएं की रचनात्मक ऊर्जा है, का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। शिव पुराण के अनुसार ये एक ज्योति का प्रतीक है। ये इसलिए कि कहीं देवी के देव महादेव की समाधि भंग ना हो जाए। जब शिव की समाधि भंग होती है तो वह क्रोधित हो जाते हैं और अपने रौद्र रूप में प्रकट होते हैं, जिसे शांत कर सकना किसी असंभव कार्य के समान है। इसी कारण महिलाओं को शिव पूजा करने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन शिवलिंग की पूजा से अविवाहित स्त्रियों को दूर रखने का ये अर्थ नहीं है कि वे भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकती, बल्कि कुंवारी कन्याएं ही शिव जी का सबसे अधिक आराधना करती हैं। अपने लिए एक अच्छे वर की कामना करते हुए वे पूर्ण विधि विधान से शिव जी के 16 सोमवार का व्रत भी रखती हैं। व्रत के साथ वे शिव जी की पूर्ण नियमों के साथ पूजा करती हैं। और ऐसी मान्यता है कि भक्तों के भोले भगवान शंकर उन्हें वरदान भी देते हैं। एक अच्छे वर के अलावा एक महिला का पति उससे प्रेम करे और अच्छा बर्ताव करे, इसके लिए भी महिलाएं 10 सोमवार का व्रत रखती हैं। इसके साथ ही पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सफल बना रहे, इसके लिए महिलाएं शिव तथा माता पार्वती जी की एक साथ पूजा करती हैं। हिंदू मान्यताओं में दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जोड़ी का श्रेय भगवान शिव और पार्वती को दिया गया है। ऐसी मान्यता प्रसिद्ध है कि इन दिनों के प्रेम तथा स्नेह वाली जोड़ी पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। इसलिए भक्त अपने अच्छे विवाहित जीवन के लिए शिव एवं पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। पति पत्नी का विवाह सफल हो, इसके लिए पूजा के साथ कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, लेकिन ये व्रत विशेष रूप से केवल सोमवार को ही किया जाए, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ये व्रत किसी भी दिन रखा जा सकता है, लेकिन शिव के भक्त सोमवार को भगवान शिव जी का प्रिय दिन मानकर ही व्रत एवं पूजा करते हैं। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।